पानी हमें इतना प्यारा है कि कई एक्साइटिंग स्पोर्ट्स सदियों से चलते आ रहे हैं। तैरना, तरह तरह के बोट रेसेस, डाइविंग बोट से कूदना या फिर पहाड़ से समुंदर में छलांग लगाना और समुंदर की गहराई को ढूंढ निकालना, इससे एक्साइटिंग तो और कुछ नहीं है। मगर ये मत सोचिए कि ये बहुत आसानी से हो गया। पानी को काबू करने के लिए इंसान का सबसे बड़ा हथियार रहा है विज्ञान और विज्ञान की समझ। आज की कड़ी में हम यही बहुत नजदीकी से देखेंगे कैसे हमारा शरीर ही कभी तो हमारा दोस्त बनता है और कभी हमारा दुश्मन, और कैसे हमने ऊंचाई और गहराई की सीमाएं माप ली। स्विमिंग या तैरने में सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि इसको करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा या एनर्जी लगती है। इसका मुख्य कारण है कि पानी हवा से करीब 1000 गुना ज्यादा डेंस होता है। दौड़ने या साइकिलिंग में हमारी ज्यादातर मसल एनर्जी फॉरवर्ड मूवमेंट में बदली जा सकती है, मगर तैरते समय हमारी 90% से ज्यादा ऊर्जा फ्लूइड रेजिस्टेंस को हराने में लग जाती है। इसीलिए इंसान 100 मीटर तो 10 सेकंड में दौड़ सकता है, मगर तैरते समय अगर आप 5 माइल्स पर आवर की स्पीड पकड़ सकें तो काफी अच्छे स्विमर माने जाएंगे। तैरते समय सबसे बड़ा विलन है एक छोटा सा प्यारा सा 4 अल्फाबेट का वर्ड, ड्रैग। और परेशानी की बात यह है कि स्विमर्स को 3 तरह के ड्रैग्स का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, फॉर्म ड्रैग। बिल्कुल वैसे ही जैसे हवा से गुजरती हुई गोल्फ बॉल के पीछे वैक्यूम बनता है जो उसे पीछे खींचता है, तैरते समय भी स्विमर के सामने एक हाई प्रेशर इलाका होता है और पीछे लो प्रेशर। इससे एक पीछे की तरफ फोर्स लगता है जो स्विमर की गति धीमी करता है। फॉर्म ड्रैग को कम करने के लिए दुनिया के बेस्ट स्विमर्स अपनी शरीर के शेप और स्विमिंग की तकनीक पर काफी ध्यान देते हैं। हवा से भरे हुए फेफड़ों की वजह से शरीर के ऊपरी हिस्से में उत्प्लावन या बॉयंसी ज्यादा होती है। इससे एक नेचुरल टेंडेंसी होती है हमारे शरीर के स्लांट करने की, जिससे छाती और ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ उठता है और पैर नीचे की तरफ खींचते हैं। अच्छे स्विमर्स सही तकनीक के इस्तेमाल से अपने शरीर को सीधी रखकर तैरते हैं, जिससे ड्रैग कम होता है। पानी और हमारे शरीर की घर्षण की वजह से एक और ड्रैग बनता है जिसे फ्रिक्शन ड्रैग कहते हैं। शरीर से चिपके हुए सूट्स तैरते समय फ्रिक्शन ड्रैग को कम करने में बहुत काम आती हैं। और फाइनली वेव ड्रैग, जहां फॉर्म ड्रैग स्विमर को पीछे से खींचता है, वेव ड्रैग स्विमर के सामने एक दीवार खड़ी कर देता है। तैरते समय स्विमर के सामने वेव्स बनते हैं। स्विमिंग जितनी तेज होती है वेव्स उतने ही बड़े होते हैं और तेज तैरना उतना ही मुश्किल। पानी में छलांग लगाते ही जो वेव्स बनते हैं उसके ड्रैग से बचने के लिए स्विमर्स थोड़ी दूर पानी के अंदर तय करते हैं और पूल में मुड़ने के बाद थोड़ी देर अंडर वाटर स्विमिंग करके आप वेव से बचते हैं, ड्रैग कम होता है और ज्यादा दूरी तय की जा सकती है। ड्रैग को कम करने के लिए तकनीक सबसे जरूरी है। सबसे तेज स्ट्रोक्स लगाने का मतलब नहीं है कि आप सबसे तेज तैर सकते हैं। इनफैक्ट टॉप लेवल पर जो स्विमर एक लैप में जितना कम स्ट्रोक्स लगाता है
उसकी जीतने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। चलिए तैरते समय बाधाओं की बहुत बात कर ली, अब कुछ बात करते हैं तैरते समय हमारे दोस्तों की, उन चीजों की जो तैरने में हमारी मदद करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से अगर देखा जाए तो स्विमिंग एक और उदाहरण है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तैरते समय हमारे हाथ और पैर पानी को पीछे धकेलते हैं और पानी उतने ही फोर्स से हमें सामने धकेलता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पानी को पीछे धकेलने से उतना ही फोर्स स्विमर को सामने ले जाता है और ये फोर्स निर्भर है पानी की मात्रा और पानी की त्वरण या एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन के साथ साथ कितने समय में वो एक्सेलरेशन हुआ वो भी जरूरी है, क्योंकि आवेग या मोमेंटम निर्भर है फोर्स और समय पर। 1960s तक यही सबसे साधारण तरीका था स्विमिंग को समझाने का, मगर लोगों की धारणा बदलने लगी। सिर्फ न्यूटन्स लॉज से स्विमिंग को समझाना मुश्किल हो गया। हाथ की गति स्थिर पानी की तुलना में ज्यादा है और गतिशील पानी की तुलना में कम, इसलिए जब स्विमर स्थिर पानी को एक बार गतिशील बना देता है और हाथ और पानी एक ही दिशा में जा रहे होते हैं तो पानी से उतना ही रिएक्शन फोर्स पैदा करने के लिए हाथ की गति बढ़ानी पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल है। ये बात तो साफ हो गई थी कि इस सिक्के का एक और पहलू भी है। वैज्ञानिक ये कहने लगे कि पानी में तैरना हवाई जहाज के उड़ने से कोई अलग नहीं है। चौंक गए, मैं भी चौंक गया था। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले समझते हैं बर्नौली प्रिंसिपल को। जब हवा या पानी एक ऐसी चीज की संपर्क में आते हैं जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से के मुकाबले ज्यादा कर्व्ड हो, तो जहां ज्यादा कर्व होता है वहां हवा या पानी की गति ज्यादा होती है, क्योंकि कम समय में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। जहां स्पीड ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है और जहां स्पीड कम वहां प्रेशर ज्यादा। जहां प्रेशर कम होता है उस तरफ एक फोर्स लगता है जिसे लिफ्ट भी कहते हैं। तैरते समय हमारे हाथ एक हवाई जहाज की विंग की तरह बर्ताव करते हैं। हमारे हाथ का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के मुकाबले ज्यादा कर्व्ड होता है। जिस तरफ प्रेशर कम होता है उस तरफ एक लिफ्ट मिलता है। लिफ्ट पानी के फ्लो के 90 डिग्रीज पर लगता है, इसलिए स्विमिंग करते समय लिफ्ट स्विमिंग की दिशा में लगता है और स्विमर की गति बढ़ाता है। एक स्विमर की तकनीक समझने के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और बर्नौली प्रिंसिपल को मिलाकर एक नजरिए से देखना पड़ेगा।